हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रोहित। कल हम डिस्कशन किए थे जनरल अवेयरनेस पार्ट 5 का, आज हम डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस पार्ट 6 का, क्योंकि जनरल साइंस 30 मार्क का आता है फास्टेस्ट सीबीटी में, इसलिए साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग मेरे साथ दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए दोस्तों अभी आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप होता है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, तपन घड़ी सर्च कीजिए, और जहाँ पे मैं आपको रेलवे एसएससी के रिलेटेड आपको तैयारी का वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी जो भी इशू है, मैं मैसेज के जरिए मैं आपको कमेंट में आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे जाके अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर? ऑप्शन बी इज द आंसर, ग्रोथ एंड प्रोपागेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 2 को आगे बढ़ते हैं। द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ द मॉस्क्यूटो रिपेलेंट क्रीम इज डिराइव्ड फ्रॉम? मॉस्क्यूटो रिपेलेंट जो क्रीम एक होता है वो नीम पेड़ से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। टू स्पेस ट्रेवलर ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम अपीयर्स। टू स्पेस ट्रेवलर मून को जा रहा है, तो मून को जा रहा है, अगर मून को वो दिखा मून का स्काई कैसे दिखेगा, क्वेश्चन है वो। आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लैक कलर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। द राउंड वर्म कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑप्शन सी, पाइपरजाइन सिट्रेट इज द आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए फ्लोटिंग आइसबर्ग रिमेंस इनसाइड वाटर? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए फ्लोटिंग आइसबर्ग रिमेंस इनसाइड वाटर? 9/10 जो पार्ट होता है वाटर के अंदर रहता है, और 1/10 जो पार्ट होता है वाटर के बाहर रहता है। एक आइस क्यूब को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो 9/10 पार्ट वो डूब जाएगा, 1/10 पार्ट ऊपर रहेगा। चलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 नंबर का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोसेस्ड फ्यूल यूज फॉर कुकिंग? एलपीजी, वुड कोल, किरोसिन, चारकोल। एलपीजी, वुड, किरोसिन, चारकोल, चारकोल, किरोसिन, कोल। ऑप्शन बी इज द आंसर, किरोसिन, चारकोल, एलपीजी। वुड दोस्तों ये कुकिंग के लिए यूज नहीं होता है, वुड जिसमें है वो आंसर नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? माइका, एजवेस्टस, एल्युमिनियम, टाइटेनियम। ऑप्शन ए माइका इज द आंसर। माइका इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज? क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, जो फूल जो खिलता है रात में क्यों खिलता है? ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, दे आर ब्लूमिंग इज कंट्रोल बाय लो टेम्परेचर। मतलब वो जो फूल खिलेगा, लो टेम्परेचर होगा तो वो फूल ज़्यादा खिलता है, इसलिए रात को टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है रेगिस्तान में, इसीलिए वो डेजर्ट में प्लांट ब्लूम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री? इनमें से कौन सा बार्क नहीं, मतलब छाल नहीं है पेड़ का? सीनामन ये तो जानते हैं, दालचीनी ये एक छाल है, क्विनाइन ये तो जानते हैं छाल है, भांग ऑप्शन सी ये आंसर होगा, ये छाल नहीं है। टेनिन भी एक छाल है, लेकिन ऑप्शन सी भांग ये एक छाल नहीं है, ऑप्शन सी इज द आंसर। इंटरएक्टिव सर्विस फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज ऑन प्रिंटेड मीडियम थ्रू टेलीफोन लाइंस इज नॉन एज? देखिए दोस्तों, मैसेज ऑन प्रिंटेड मीडियम मतलब मैसेज भी होगा और प्रिंट भी होगा, टेलीप्रिंट तो ऐसे नहीं होगा, टेलीफैक्स जो फैक्स करते हैं, ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश म्यूजिकल साउंड फ्रॉम नॉइज? ऑप्शन सी 1 एंड 3, रेगुलरिटी इन साउंड,
एब्सेंस ऑफ सडन चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ म्यूजिकल साउंड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉयल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। फर्टिलिटी मतलब जो मिट्टी का उर्वरता कैसे बढ़ाएंगे, उर्वर कैसे बढ़ाएंगे। एडिंग लिविंग अर्थवर्म, अर्थवर्म को मतलब जिंदा अर्थवर्म को अगर हम मिला देंगे वो सॉयल में, मिट्टी में, तो उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। ओजन अटैक्स, ये क्वेश्चन एक पिछले पेपर में डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस, ग्लास, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, सिल्वर एंड आयरन, ये सबको अटैक्स नहीं करता है। ऑप्शन ऑप्शन ई इज द आंसर, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 को आगे बढ़ते हैं। व्हेन यूज्ड फॉर बेन पर्पोजेस दिस इज नॉन एज सिंपली एज फर्टिलाइजर बट व्हेन मिक्सड विथ डीजल फ्यूल एंड सेट ऑफ इट हैज ए डिटोनेशन वेलोसिटी ऑफ 1100 मीटर पर सेकेंड। द पावरफुल टूल ऑफ डिस्ट्रक्शन रिफर्ड टू अबव इज, ऑप्शन डी अमोनियम नाइट्रेट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द प्रोसेस बाय व्हिच किडनी स्टोन आर शटर्ड विथ शॉक वेव्स इज कॉल्ड। किडनी स्टोन को जो तोड़ते हैं मतलब ये करते ब्रेक करते हैं, कौन से मेथड में ब्रेक करते हैं। ऑप्शन ए लिथोट्रिस्पी, एक ऑपरेशन है उसी के माध्यम से किडनी स्टोन को तोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 15 नंबर का ए इज द आंसर। 16 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फोर टाइप्स ऑफ कोल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्लाइन क्वालिटी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मांग रहे हैं वो। तो ऑप्शन इसमें बी होगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। 1, 4, 3, 2, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, ये तो पता होगा आपको, प्लाज्मा। फर्स्ट स्टेज ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमेडिकेशन, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगीज टू क्लीन अप एक्यूफायर, क्लीन अप टॉक्सिक डम्स, क्लीन अप ऑयल स्पिल्स, क्योर बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीजेस। फ्रेंड 18 नंबर का आंसर होगा बी, 1 और 3, क्लीन अप एक्वाफायर्स एंड क्लीन अप ऑयल स्पिल्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग ए क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डाइप्लॉयड वन सच एज 2n-1 और 2n+1 इज कॉल्ड। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ए न्यूप्लॉयड। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। इन द मेडिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट टू रिलीफ पेंस कॉल्ड एक्यूप्यूंचर, तो ऑप्शन डी फाइन नीडल्स आर प्रिक्ड इन द बॉडी। ऑप्शन डी 20 नंबर का आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए 21 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोस, गैमैक्सिन, डीडीटी, गाम्बोसिया ऑयल। ऑप्शन सी गाम्बोसिया इज द आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉल्यूटेंट दैट ट्रैफिक कॉन्स्टेबल इज लाइक टू इनहेल। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल जो लाइक टू इनहेल करने में होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, 1, 3 और 4। ये तीनों को इनहेल कर सकते हैं जो ट्रैफिक कॉन्स्टेबल रहते हैं। ये था आज का टॉप 22 क्वेश्चन साइंस में, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय।